यदि आप CSE के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वीडियो KYC करते वक्त आपका सिक्योर कोड एक्सपायर बता रहा है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको सही करा सकते हैं। CSE अप्लाई करने के बाद जब तक आप वीडियो KYC नहीं करते हैं अपने सेंटर पे तब तक आपका CSE अप्रूव नहीं होगा। ऐसे वीडियो KYC कैसे किया जाता है उस पर मैंने कम्प्लीट ट्यूटोरियल विथ लाइव प्रूफ के साथ मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख कर आप एक ईजी वे में CSE का वीडियो KYC कर सकते हैं। इसके लिए अपने एरिया के किसी भी CSE सेंटर पर जाएंगे और वहां जाने के बाद वहां से अपने एरिया के DM का नंबर लेंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर लेंगे और उन्हीं से आपको बात करना है। उन्हीं से जब आप बात करिएगा तभी जाकर आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। आखिरकार नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का, उसके लिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। डिजिटल सेवा में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे माई प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे से सेकंड में एक ऑप्शन दिखेगा DM इन्फो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपके एरिया का, आपके डिस्ट्रिक्ट का जितना भी DM होंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनका नंबर विद ईमेल के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इन्हीं में से किसी एक का नंबर ले लेना है और नंबर ले लेने के बाद में उनका कॉल करके अपने प्रॉब्लम को बताना है। यहाँ से आपको एक जेन्युइन सॉल्यूशन मिलेगा जिससे कि आपके साथ फ्रॉड भी नहीं होगा। यहीं से आपको बात करना चाहिए जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। यदि आप CSE से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे तो यहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा नंबर आपको दिखेगा अपने एरिया का, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो भी मन में सवाल होगा उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। यदि अभी भी आपको कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप CSE से रिलेटेड कोई सा भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।